रुचि आ गई है फ्लैग होस्टिंग करके, और हम लोग भी सब आ गए हैं और बज गए हैं दिन के 12, और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से डे कैंपिंग के लिए। सभी सामान, जैकेट वैकेट हमने रख लिए, और वहाँ की सारे ये कुछ सामान है, ये हैं इधर हमारे, दिखाता हूँ जैसे पानी और बोतल और ये सब चीज़ें, इसी अपनी जैकेट भी रख देता हूँ, और जैकेट ये टेंट ज़्यादा बकाया चीज़ें रख रहे हैं हम लोग। अर्जुन आ गया गाड़ी की चाबी लेके, और अब हम लोग निकाल रहे हैं गाड़ी। ये कुछ प्लांट्स भी थे, ये भी हमने सब पैक कर लिए हैं, सोचा कि आज के दिन में कुछ पेड़ लगा देंगे, और बकाया हमने टेंट भी रख लिया है, और ये पानी की बोतल, खाना, मैगी, चारपाई सब लोग रख दिए, चटाई उटाई। अब लोग निकल रहे हैं, भैया भी पीछे वेट कर रहे हैं एक, मैं गाड़ी बढ़ाता हूँ आगे को। चल बना ले तू, आ ही रहे हो, आ जाओ फिर। वो कहाँ गया, सीधे निकाल ही लेते हैं फिर, रुचि भी खा लीजिए। अब नीरज कहाँ है, ये घर नहीं आना तुझे, चलो घुसो तुम लोग, रख ले जल्दी बैठ। अब चाबी वही है, हाँ वो जो ट्रॉली के नीचे पन्नी पड़ी है काली सी। मम्मी रात के खाने के लिए बोल रही होगी क्या? शायद हो सकता है, यहाँ तो इन चूरनों ने फिर दिया, थोड़ा से भी गाड़ी नहीं चला पाते साले। तो गाइस जाते जाते हमें याद आई नानू की, तो हमने कहा नानू को भी ले लेते हैं। तो हम ये बस चारधाम मंदिर के आगे जो रेता का स्टॉक है यहाँ पे हम रुके हुए हैं, और रुचि और अर्जुन गए हुए हैं नीरज के पास, नहीं मतलब नानू के पास, और नीरज हमारे पास यही है दास रेता ब्लॉग, देखो स्माइली फेस ये। और दास रेता ब्लॉग को तुम लोग इसकी शॉर्ट्स देखना, बड़े अच्छे अच्छे शॉर्ट्स बनाता है ये, और क्योंकि छोटा छोटा बच्चा है कुछ इसकी भी बेचारे की कह रहा भैया मैं कब कमाऊंगा पैसे, तो इसका मेन मकसद है YouTube से पैसे कमाना, क्योंकि वो है ना, तो इसलिए तुम लोग हेल्प करना भाई, जो लोग भी देखोगे थोड़ा सा बच्चे की, क्योंकि इनके पापा लोग बहुत मजदूरी मेहनत करते हैं, और हम लोग भी इनकी फुल सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग भी करना, और हम लोग को भी लाइक सब्सक्राइब करना, और साथ में रुचि दत्ता जोशी व्लॉग मेरी वाइफ है जो, उसके चैनल में जाके भी आप देख सकते हैं बकाया, वो बड़े ब्लॉग वही डालती है। पहुंच गए हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे, बस दो कदम में हमारी जगह आ चुकी है, पूरा एक अद्भुत नज़ारा यहाँ पे आपको मिलेगा जंगल का देखने के लिए, चारों तरफ से जंगल और हरियाली है, वन पंचायत सियात कहते हैं इस जगह को, ये देखो विकास खंड कोटाबाग, और यहाँ से टर्न लेना है आपको हमारी जगह में जाने के लिए, और इस जगह से सभी लोग याद ही है सब लोगों को, क्योंकि वीडियो में सब लोग देखते ही रहते हैं इस जगह के लिए। ये थोड़ा सा भी सड़क बन रही है, नहीं पहले ये बिल्कुल गड्ढे वाली सड़क थी, ये ऐसे करके यहाँ से गड्ढे से गाड़ी ले आनी है। लो भैया थोड़ा सा आगे को दे दो, शीशा बिल्कुल खराब हो रहा है, दिख नहीं रहा है।
वीडियो तो चालू ही है। कोई बात नहीं कर। गाइस तो जो टेंट था वो लगा दिया हम लोगों ने ऐसे करके, और ये है रुचि का वीडियो बन रहा है, और नीरज को भेज दिया पानी लेने, क्योंकि नीरज लोग के कारण ही हम एक पानी की बोतल भूल गए हैं। तो नीरज को बस उधर जो मकान दिख रहे हैं वहाँ भेज रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने वो बाल्टी घर में छोड़ी है जबकि हम लोगों ने भर दिया है। और अब निकालते हैं पेड़, ये फाइकस के पेड़ हैं, इनको निकाल के इनको भी लगा रहे हैं यहाँ पे हम लोग, इस जगह पे को लगा देते हैं कि आने वाले टाइम में हरियाली रहेगी, क्योंकि पेड़ जैसे हिसाब से कटते हैं नए पेड़ आएंगे तो फिर वो पेड़ों की भरपाई हो जाएगी और एटमॉस्फेयर पूरा ऑक्सीजन से लबालब रहेगा और हमें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तभी एक देखा है ना, गाँव वाले लोग बिल्कुल अच्छे रहते हैं कि उनके पास अच्छी ताज़ी हवा होती है, और हमारे यहाँ पॉल्यूशन होता है, गाड़ियों का पॉल्यूशन, एसी का पॉल्यूशन, यहाँ पे सब कुछ आपको नेचुरल मिलेगा। ये देखिए एक पुराना सा पुल है, आपको दिखाते हैं अभी सब एरिया, फिलहाल पेड़ निकाल के लगा लेते हैं। तो भाई दो पेड़ अभी हमने लगा दिए और बकाया आगे को ऐसे ही जहाँ को हम बढ़ते रहेंगे पेड़ रखे हुए, सबके सब पेड़ लगा रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं वीडियो बाद में बना लेंगे, पहले पेड़ लगा लेते हैं क्योंकि सनसेट होने वाला है, अंधेरा हो जाएगा तो फिर सक्सेस नहीं मिलेगी, तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी काम कर लेना चाहिए। नानू की भी यही राय है कि दीपक दा पहले कर लेते हैं काम, लगा लेते ना वीडियो। हाँ तो फिलहाल जो है ना इसको हमने गमले से निकाल दिया, तो इस तरीके से गड्ढे बना दिए, तो यहाँ पर जो है ना इसको हम इस पर भी ऐसे गड्ढे लगा देते हैं यहाँ पर इस तरीके से पेड़ को, और इसके ऊपर जो है ना मिट्टी डाल देंगे इस तरीके से हम यहाँ पे, और मेरा भी दिखा दे देख, और दीपक भैया ने भी लगा दिया इधर पे पेड़ थोड़ा थोड़ा जमीन में मिट्टी बचे रहने देना गड्ढा, क्योंकि बारिश आएगी तो भर जाएगा उसमें पानी। हाँ थोड़ा बचे रहने, ये है ना आपने तो पूरा ही भर दिया, कोई नहीं। तो जो है ना हमने यहाँ पे जो है ना इस तरीके से पेड़ लगाने स्टार्ट कर दिया, तो हम जो है ना फटाफट पेड़ लगा लेते हैं, अभी रात हो रही है तो टाइम नहीं मिलेगा, तो वीडियो को हम यहीं पर भी बंद करते हैं अभी, तो इसके बाद चालू करेंगे। फिलहाल जो है ना पहले सबसे पहले फटाफट से जो है पेड़ लगा लेते हैं। तभी तो बुलाया ये सारा, नहीं तो फिर गालियां बकते रहता मैं पिछली बार अकेले गए, मैंने कितना अच्छे लगा गया वो एमजे और सुरेश लोग वो है। हां तो मेरे को बताया था आपने, वो उसका प्रोग्राम था, मैंने कहा भी था, तो फिर जो नहीं आएगा एक बार कुछ हुआ था लफड़ा तुम लोगों का। चल नीरज अर्जुन वो टमाटर भी दिखा लो सर, या टमाटर टमाटर खेत दिखा ले। तो गाइस ना अभी हम लोग सोच रहे हैं कि अब हम पेड़ लगाते हैं, सोच रहे हैं ना, तो इन पेड़ों के लिए तो यहाँ पे हम लोग जगह साफ कर रहे हैं, और छोटे लगते हैं सजावट के, फिर अभी आपको दिखाएंगे आगे खेत में, इसमें तो उड़द बोई थी अलग प्लॉट में, तो अभी साफ हो गया वो, आगे लोग टमाटर के खेत है और टमाटर लगे हुए हैं, आप लोगों को दिखाएंगे प्योर ऑर्गेनिक टमाटर हैं। और उधर दूर अगर नीरज अर्जुन आपको दिखा पाएगा, तो उधर खेत में मोर घूम रहे हैं खूब सारे, आपको अर्जुन मोर भी दिखा देते हुए ले आएगा। मोर कहाँ पे Thank you.
नीरज तू हमारे लिए लेके आएगा एक एक पका हुआ बिल्कुल टमाटर, ठीक है? मोर भी दिखा दिया, बिल्कुल लाल सूरज भगवान की तरह वैसा लग रहा है ना। नानू मैं सो रहा हूँ, मुझे नींद लग रही है। मैं भी सो रहा हूँ। 4:15 बजे का मोर भी दिखा दिया। मोर, अच्छा मोर और दिखा देते हैं। 4:15 बजे का हम लोग सोते हैं, 3:15 का टाइम हो रहा है, 1 घंटा सोते हैं, काफी है। तब तक तुम लोग काम करो, रुचि खाना बनाएगी तो हमें उठा लेगी। क्या क्या हो गया रुचि? कच्ची मत खाया थे? नहीं नहीं, 2 खा लाना बस खाली। मैगी बन गई है तो मैगी खा के सोएंगे क्या? और दोस्तों को भी बुला लो यार, वो क्या कहेंगे? और इधर एग भी बॉयल हो चुके हैं और चिप्स खाऊंगी मैं, उसके बाद बनाएंगे चाय। लोग जैसे आते हैं फिर कर लेंगे, ठीक है? तो चलो ठीक है, चल तू वहाँ पे लगा दो, मेरे भी प्लेट उठा। ये है, हाँ तो गाइस टाइम आ गया है, अब हमें खानी है मैगी। रुचि बोल रही है सबको सर्व कर दिया मैगी, तो हम लोग मैगी खाएंगे और फिर जो पेड़ लगाने कुछ पेड़ वो लगाते हैं। ये देखो फिलहाल खो गया चाकू, ढूंढ रहे कि कहाँ गया चाकू। चाकू ढूंढने की चल रही है सीन। और सूर्य भगवान भी बस छुपने ही वाले हैं मेरे सर के सीधे पीछे। शाम हो चुकी है, चाय भी बन गई है रुचि की, देखो। और एक कैंप फायर सनसेट हो गया, मस्त हुआ था। और पूरे जंगली जानवरों की मोर की आवाजें आ रही हैं। तो दोस्तों हमारी जो है कैंपिंग शैंपिंग सारी कंप्लीट हो चुकी है और बहुत हम लोगों ने फन किया और फाइनली हमारी जो है बनके चाय तैयार हो चुकी है। सब लोग पी रहे हैं चाय गर्मा गर्म आग के साथ। अभी निकलते हैं थोड़ी देर में हल्द्वानी के लिए वापस, और जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं पुराने भी और जो नए जुड़ेंगे वो चैनल को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे हैं नानू पहाड़ी व्लॉग्स, दास ब्रदर व्लॉग्स, नैनीताल व्लॉग्स, भाई नैनीताल व्लॉग्स के भी व्लॉग, हाँ नैनीताल वाला व्लॉग्स देख लो भाई, नाम मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं। बिग फैन और नानू को तो हमेशा कमेंट आते हैं बिग फैन हल्द्वानी से, मैं रियल में हूँ भी बिग फैन। हाँ ये तो है कह रहा नानू, तो हर मैं जबकि नानू के उसमें नहीं कमेंट कर पाती, मैं नहीं व्लॉग देख पाती हूँ, देखती भी हूँ तो कमेंट नहीं कर पाती। और बहुत सारे लोग ऐसे जिनके ब्लॉग देखती हूँ, समय का बड़ा थोड़ा अभाव रहता है, घर के काम नौकरी वोकरी ये वो दौड़ भाग, तो इसलिए जितने भी लोग हैं प्लीज माइंड मत करना और बताना कि आप लोगों को हमारी ये कैंपिंग हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा। तो हमारा जो काम था वो भी निपट गया है, जिस काम के लिए हमारे थे वो भी सक्सेसफुल हो गया और कैंपिंग भी हो गई बढ़िया वाली। थोड़ा अलग हटके ये वाला ब्लॉग है, तो ब्लॉग को करते हैं अभी यहीं पे एंड और मिलेंगे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय। और पीछे से ना मोर की भी आवाज आ रही है, कुकू कर रहे हैं मोर भी, कुकू करके आवाज आ रही है मोर की। ये देखिए जोर जोर से आऊ आऊ करके मोर की आवाज आ रही है, तो ये हमने देख भी लिया। तो आने वाले कभी भविष्य में यहाँ पर हमारे पास जब बहुत सारे पैसे होंगे तो हम लोग यहाँ पर भी कैंप रिजॉर्ट डालेंगे। प्लॉट भी इनका ही है। हाँ, ये मैंने पहले वाले व्लॉग में भी दिखाया था, बताया भी था। तो ऐसे कैंपिंग ना ऐसे करने भी। गाइस चाय भी हो चुकी है हमारी, सब नमकीन खा के सब लोग फ्री हो गए देखो, और बहुत रात हो गई है। अब हम लोग सोच रहे हैं धीमे धीमे सामान लपेटते हैं क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है, जंगल के एरिया अच्छा भी नहीं लगेगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अगले जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड और जय कुमाऊँ। सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा।